कालचीनी से अलीपुर द्वार एवं जयगांव के बीच चलने वाले ऑटो एवं मैजिक वैन के चालक यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। इस तरह के आरोप यात्रियों द्वारा लगाए गए हैं। लॉकडाउन के बाद पहले यात्रियों की संख्या कम थी, ऐसे में किराया लगभग डबल किया जा रहा था, लेकिन अभी यात्री उपयुक्त मात्रा में होने के बावजूद भी किराया ज्यादा लेने का आरोप यात्रियों ने लगाया है। उनका कहना है कि 30 रुपए के स्थान पर 60 रुपए लिया जा रहा है, इसीलिए वो उनका विरोध कर रहे हैं। कितना ले रहा है? हम लोग का 30 रुपए का। पहले कितना लिया करता था? पहले 10 से 15 रुपए। 10 से 15 लेते कहां से कहां का 30 रुपए लिया जा रहा है? तो 30 से भी अभी हम लोग घर तक चलिए छोड़ दे बोलते हैं तो चुप। कहां से कहां तक का? लोथावाड़ी से कालचीनी तक लेते हैं 10 रुपए 20 रुपए। तो अभी हम लोग का लोथावाड़ी से ले रहे हैं हेमिल्टन तक 30 रुपए ले रहे हैं। तो आप लोग बोलते नहीं गाड़ी वालों को, तो क्या बोलते हो? हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि एक ही तो है, हम लोग तो स्टूडेंट होने से क्या हम लोग को तो कमाना पड़ता है, हम लोग को भी तो मेहनत करना पड़ता है। नहीं, हम लोग तो बोलते हैं कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग का तो कम कर दीजिए, लेकिन भी हम लोग झगड़ा हो जाता है ना ऐसे में, इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं बोलते। आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है? हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग को अलीपुर जाने के लिए हम लोग पब्लिक है 60 रुपीज ले रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है इतना भर? अब क्या पता उन लोग का जो रूल बना है। तो इससे क्या असुविधा हो रही है आप लोगों को? असुविधा तो हो गई, हम लोग लेबर काम करने वाला आदमी। पहले तो कितना 10 रुपए ज्यादा भी लेगा हम लोग का शरीर में लगेगा ना सर। पहले कितना लिया करता था? पहले तो 30 रुपए में लिया था। कब से ये भाड़ा कब से बढ़ गया इतना? अभी लॉकडाउन का इधर से होगा। AL Dash and Sons করোনা আবহে সমস্ত রকমের স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমরা প্রস্তুত আপনাদের সেবায়। আমাদের এখানে পাচ্ছেন নিত্য নতুন ডিজাইনের ছেলে ও মেয়েদের সমস্ত রকম রেডিমেড পোশাক সহ আকর্ষণীয় শাড়ির কালেকশন। আজই আসুন AL Dash and Sons এ দাস ব্রাদার্স চৌপতি কোচবিহার।